एक प्रसंग आपको बताते हैं, हमारे गिरिराज जी का ही है। श्री कृष्णदास जी महाराज अधिकारी जी वल्लभाचार्य भगवान की शरणागत और श्री नाथ जी की श्री अंग सेवा में वो कुठारी पर थे। ठाकुर जी के पास संपत्ति की तो कमी है नहीं, तो उनकी भोग सेवा, वस्त्र सेवा, आभूषण सेवा आदि के लिए आगरे जाते थे। श्री नाथ जी यहीं विराजमान थे, गिरिराज जी में ही प्रकट हुए ना, तो वहीं आज भी स्थान है, पर वो इस समय नाथ द्वारे पे विराजमान है। श्री नाथ जी हमारे ही वृंदावन के ब्रज के ठाकुर जी। तो आगरे गए कृष्णदास जी, तो देखा एक नवीन अवस्था की वैश्या नृत्य कर रही है और लोग ऐसे रुपये जैसे, तो वो उसके पास जाती है, हाव भाव प्रकट करती है, और वो संत थे कृष्णदास जी। वो ऐसे देखे तो जब भीड़ इकट्ठा होती तो लगता क्या हो गया, तो वहां गए तो देखा वैश्या नृत्य करे, नवीन अवस्था की वैश्या, बहुत एकाग्रता से देखा, इतनी हाव भाव, इतनी मधुर वाणी, इतना सुंदर नृत्य, ये तो हमारे लालजू को रिझा सकती है। तो उस समय 100 मुद्रा निकाली है, बाबा जी 100, वो तो अधिकारी है, देखते ही वो तो नजदीक आ गए, लिया, क्योंकि भेष वाले उनका, हमारे अगर जहां हम टिके हुए हैं वहां तुम आओ तो जितनी मुद्रा कहोगे हम देंगे, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो जैसी आपकी आज्ञा, आप कहां टिके हैं, अपने परिकर से तुम आ गए। तो उनको कि आप इस राग में गाइए, आप इस राग में गाइए, वो बड़ी प्रवीण थी। उनका मेरे एक बादशाह है, मैं उनका एक गुलाम हूं, तुम्हारे परिकर को जितना कहोगे हम यही संपत्ति दे देंगे, साथ नहीं चलेगा, आप चलोगे और आप अकेले मेरे बादशाह को रिझाओगे, और रिझा लिया तो वो प्राप्त होगा जो तुम्हें कभी कोई नहीं दे सकता, ये नहीं बताया कि भगवान के सामने। तो उसको लगा कि बादशाह के सामने नाचने का अब कोई संशय नहीं था, क्योंकि स्वर्ण मुद्राएं सब दे रहे थे, तो कोई साधारण आदमी तो दे रहा है नहीं स्वर्ण मुद्रा, इसका मतलब बादशाह की बात पक्की है। अपने परिकर को भेंट दी कि आप हमसे मुक्त, और उस वैश्या को साथ लेकर कृष्णदास जी लौटाए। अपनी कुटिया के बगल में पर्ण कुटी बन गई। अब लोग निंदा करने लगे कि देखो इतने बड़े संत होकर ऐसा वैश्या को लाए हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, नक्षरा कुंड, सब कुंडों में स्नान करवाया और पद, ये पद गाना है, और जितना तुम चातुर्यता पूर्वक हमारे बादशाह को लुभायमान कर पाओ, जैसे तुम लोगों को लुभायमान कर रहे थे, बिना हम करेंगे रीझ हो जाएंगे और भेंट तत्काल मिलेगी, बस आप चल ले गए श्रीनाथ जी के सामने खड़ा किया, कहा ये मेरे बादशाह है, आप इनको, तो जो पद बताया था पूरा पद, वैसी भावभंगियां बताई थी, अब परम पावन गिरिराज जी के दिव्य कुंडों का स्नान और महापुरुष का संकल्प, और ठाकुर जी से कहा हम आगरे से जो चीज लाते हैं वो आप स्वीकार करते हैं, चाहे भोग की हो, चाहे आभूषण की हो, चाहे वस्त्र की हो, तो आज ये एक भेंट लाए हैं, आपको स्वीकार करना है। पद गा के जीव ही जैसे बादशाह को किया ऐसी मुद्रा में तो देखा कि कोटि कोटि मनमथारी ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर ठाकुर, तत्काल प्राण निकल गए, तत्काल प्राण निकल गए, निष्प्राण होकर गिर गए। बोले ठाकुर ने भेंट स्वीकार कर ली। अब बोलिए जो वैश्या है, अभी कोई साधना नहीं हुई, भगवान के शरणागत भक्त की बात मान ली, और वो भगवान के सामने भक्त का संकल्प और भगवान की कृपा, क्षण में परम पद को प्राप्त हो गए। ये जो ईश्वर जैसे सनकादि, ये ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष है, इसमें इनमें कहीं काम क्रोध का लेस भी नहीं है, हर समय दिगंबर रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं, 5 वर्ष की अवस्था, प्रतिपल निकलता रहता हरिशरणम हरिशरणम, लेकिन जय विजय रोक देते हैं। इन्होंने श्राप दे दिया राक्षस भाव के लिए, जाओ 3 जन्म के लिए दैत्य हो जाओ, ये भगवान लीला होती, वो अपने आप से अपने आप में खेल ले, सनकादि जय विजय और भगवान इतना भी अंतर नहीं है, हरि स्वरूप होकर जय विजय विराजमान है, हरि स्वरूप होकर सनकादि, अब वो लीला उनको करनी, नहीं सनकादि में क्रोध आ गया, एक जन्म की क्या बात, कुछ क्षण तन्मयता पूर्वक भजन कर ले तो भगवान उसको निश्चित निष्पाप कर देते। पर जैसे कुछ उदाहरण मिलते, जैसे देवर्षि नारद जी काम विजयी होकर अहम आ गया, शंकर जी की बात नहीं मानी, भगवान से जाके अपने अहम की बात कही, तत्काल मोहित हो जाते हैं और ब्याह के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भगवान के 24 अवतारों में नारद जी हैं, क्या उनमें काम है क्या, नहीं,
वो हमें ये करके बताते हैं कि ऐसी स्थिति में भी यदि आपको अभिमान आ गया तो आप गिर सकते हैं। ये नहीं है कि ये काम में गिर गए तो कौन बचेगा। पढ़ो ठाकुर हरिदास जी, नौजवान है, एकांत कुटिया है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण भगवान नाम जप कर रहे हैं। वो वैश्या नौ युवती आई और उस धनी ने कहा था अगर गिरा दो तो जितना कहोगे पैसा देंगे। तीन दिन आई और स्वयं नाम जप करने लगी, कुछ फर्क नहीं पड़ा हरिदास पर। तो हमें ये देखना है कि कहां कौन सा उपदेश लागू होता है, किस उपदेश का किस रूप में भगवान उदाहरण दे रहे हैं। क्योंकि शास्त्र पूरा जैसे मेडिकल स्टोर है ना, तो आप उसमें फंस जाओगे, बीमारी बढ़ा लोगे। डॉक्टर जो दवा लिखे वही मेडिकल स्टोर से लीजिए। तो शास्त्र एक मेडिकल स्टोर है, आप गुरुजनों के वाक्यों से जो बात निकले उसे जीवन में उतारो, निश्चिंत हो जाओगे। उसमें संशय, डॉक्टर की दवा में संशय थोड़ी होता, संशय होता वो तो इतना पूछ लिया जाता है तो हमारा रोग ठीक हो जाएगा। बिल्कुल विश्वास करो, आप पैसा दिए टेबलेट लिए चले गए, यहाँ तो पैसा नहीं, यहाँ श्रद्धा है। याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के साथ आप नाम जप कीजिए, निश्चिंत हो जाइए, आप भीष्म नहीं है। ये पक्की मटकी को फोड़ के कुछ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कच्ची मटकी को जो चाहो आकार दे सकते हो, जब चाहो चाहे। हम लोग कच्ची मटकी है, हम लोग भीष्म नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, सरकादि नहीं है, साधारण जीव है, कच्ची मटकी जैसा चाहो बना लो, लेकिन वो पक्की मटकी वो नहीं। तभी उनके लिए कह दिया गया न देव न ब्रह्मा देव न खल हरि भक्त, क्यों, वो पक्की मटकी है, वो ब्रह्म बोध संपन्न है। हम लोग विषयी जीव कच्चे, चाहो तो अभी उठाकर अपने प्रेम में लगा दो और चाहो धक्का मारो तो नारकी गतियों में पड़े, नाथ में तो कुछ नहीं यहां से। तो अपने लोगों को जो जीवन के लिए प्रभु आदेश कर रहे हैं, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा पक्का, वो बात समझिए। वो उदाहरण दिया जाता है कि कर्मों का इतना प्रबल स्वरूप है पर कृपा का बहुत बड़ा। कई बार हमने उदाहरण दिया कि जैसे वकीलों से सिद्ध हो गया कि आप अपराधी हो, न्यायाधीश ने आदेश कर दिया फांसी पास हो गई, अब कोई नहीं काट सकता, एकमात्र राष्ट्रपति, आप निवेदन कीजिए, अगर वो क्षमा कर देता है तो वकील और न्यायाधीश सबकी बात रद्द, उसकी बात। तो हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण है, वो कह रहे हैं हम तो हम स्वरूप पापी मोक्षयिष्यामि मा शुचा, आप अपना निवेदन पत्र पहुंचाइए, सजा तो निश्चित हो गई है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो माफ कर दें, खेल खत्म, भगवान उसे मोक्ष पदवी को प्रदान। इसमें बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए, अलग अलग जगह के अलग अलग वाक्यों का उसका उदाहरण है, शास्त्र बहुत बड़ा है। अब आप एक यहाँ की बात वहां जोड़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। एक होती है अधम, अशरण, पतित, मैं हूं, नाथ, आपा, इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, ब्रह्मचर्य तपस्या जितेंद्रियता विविध प्रकार। अब वहां आपको जांच होगी क्योंकि आप हैं कुछ, और जो कुछ नहीं है वो सीधे गोद में बैठे, इसीलिए तो यही दरबार दीन को आदर रीति, दीन का तात्पर्य हम कुछ नहीं प्रभु, केवल आपकी कृपा से ही हमारा निस्तरण हो सकता है, मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्पना, राधा 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 सब बात बन जाएगी। और मानने की है, मान लो तो अभी सब संशय खत्म हो जाएगा, ना मान लो तो राधा राधा जपते रहो जान जाओगे, फिर तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा। अब भजन न करो तो बुद्धि की ताकत नहीं किस बात को जान सके।